मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रायपुर में आयोजित जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान सीएम साय ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा कि जनजातीय समाज की परंपरा ऐतिहासिक है, लिपि परंपरा बाद में आई, हमारे लोक गीतों का इतिहास रहा है, प्रकृति पूजा जनजातीय समाज की मूल परंपरा है, जलवायु परिवर्तन के दौर में जनजातीय समाज की परंपरा अनुकरणीय है, जनजातीय समाज सबको फलने फूलने का अवसर देता है, स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं है, सब समान है, जनजाति समाज समृद्ध संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अपने सुंदर संस्कृति को बचाने के लिए ही आदिवासी नायकों ने संघर्ष किया है, भगवान बिरसा मुंडा ने जनजाति के लिए शोषण मुक्त समाज का सपना देखा था, केंद्र की मोदी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजाति समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जनजातीय समाज का इतिहास दुनिया का सबसे पुराना इतिहास है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ की कबरा पहाड़ियों की चित्रकला से लेकर बस्तर में पूर्वजों की याद में लगाए गए पाषाण स्तंभों तक जनजातीय समुदाय का इतिहास हर कहीं बिखरा पड़ा हुआ मिलता है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की आबादी 32% है। हमारा ये जनजातीय समाज अपने अतीत को याद रखता है और इसकी जड़ें हमारी पुरातन परंपरा में भी मिलती हैं। मृतकों की स्मृति में पाषाण स्तंभ खड़े करने की परंपरा हमारे जनजातीय समाज में है, समाधि बना के रखते हैं। यह सुंदर परंपरा बताती है कि जनजातीय समाज याद रखता है कि आज जो हम हैं हमारे पुरखों की वजह से हैं। उन्होंने जो मेहनत की, जो श्रम किया, उससे हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम उनके योगदान को कभी भूलते नहीं। लिखने की परंपरा तो बाद में आई, लिपि का आविष्कार बाद में हुआ, लेकिन हमारे लोकगीत तो न जाने कितने पुराने हैं। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन्हें सहेज कर आगे बढ़ाते रहे हैं। सुंदर नृत्य के माध्यम से और संगीत के माध्यम से हमने अपनी परंपरा को संजोए रखा है। हमारी जनजातीय संस्कृति प्रकृति पूजक संस्कृति रही है। सरहुल के पर्व को लीजिए, छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी जसपुर जहां से हम आते हैं उस इलाके में सरहुल पूजा की परंपरा है। जब साल के पेड़ों में फूल आ जाता है तब ये सरहुल पूजा हम लोग मनाते हैं। ये प्रकृति की पूजा है। प्रकृति हमको इतना कुछ देती है, इसके बदले हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप ये पूजा हम लोग मनाते हैं। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है और ऐसे में प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है, तो हमारे लिए जनजातीय समाज द्वारा सिखाई गई बातें और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। हमारी संस्कृति सबको फूलने और फलने का मौका देता है। इसी में जनजातीय संस्कृति की गहरी आध्यात्मिकता भी छिपी है। प्रकृति को सहेज कर प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना, बड़े छोटे का किसी तरह का भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं, सब बराबर हैं और प्रकृति का उपहार सबके लिए है। ये जन जाति समाज में ये परंपरा कूट कूट कर भरा है।